क्या कर रहा है सलमान? शूटिंग कर रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं निमेश परमार। मैं हूं सोफी परमार। मैं हूं मंजुला परमार। और ये है हमारा चैनल निम्मी सोफी और मम्मी। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। वहां देखिए हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट और दीजिए अपने सजेशन कि हम कौन सा मूवी सॉन्ग ट्रेलर या सीन रिएक्शन करें। और यही आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारे पेज का नाम है NSM फैमिली। तो आज हम एक टीजर रिएक्शन करने वाले हैं जिसका नाम है रेड और ये मूवी है तेलुगु में। ये है थदाम नाम की एक तमिल मूवी का ऑफिशियल रीमेक। और इस मूवी में लीड रोल में है राम पोथीनेनी और नेविथा, मालविका एंड अमृता। और इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया मम्मी? किशोर तिरुमला ने। और ये मूवी रिलीज होने वाली है 9 अप्रैल 2020 को। तो मार्क योर कैलेंडर्स, इसे देखने जरूर जाए अपने नजदीकी सिनेमाघरों में और दूर के सिनेमाघरों में भी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको पता है, शुरू करते हैं क्राइम हिस्ट्री लो इलांटि केस चूडडम इदे फर्स्ट टाइम। సిద్ధార్థ్, ఆదిత్య ఇద్దరికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైఫ్స్, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వరల్డ్స్. వాంటెడ్గా నన్ను ఇందులో ఎరికించాలని చూస్తాను, ఎందుకంటే లైఫ్లో వాడుకున్న వన్ అండ్ ఓన్లీ అబ్సెషన్ నేనే. अच्छा लगा, पर हीरो मैंने पहली बार ही देखा इसको। अच्छा, आपने पहली बार देखा? पहली बार देखा, देखा भी होगा पर ध्यान नहीं, पर आज पहली बार दिखा मेरे को, पर अच्छा लगा। मेरे को समझ में नहीं आया पर अच्छा दिख रहा था, कुछ मर्डर मर्डर जैसा था, दोनों भाई जोड़मा ऐसा कुछ थे, इतना ही कुछ समझ पड़ा, ज्यादा इतना ही था, बाकी और कुछ समझ नहीं पड़ा। सबसे पहले तो बोलूं काफी सस्पेंस से भरी हुई मूवी लग रही है। मुझे इसमें हीरो का डबल रोल, डबल रोल था, एक अच्छा था एक बुरा था, और किसी केस में वो फंसे हुए थे, दोनों फंसे है ना, थे। कुछ रियल इंसिडेंट पे बनी हुई मूवी है ये, क्योंकि इसमें लिखकर भी आया था, तो डुप्लीकेट थे और पता नहीं काफी कुछ हो रहा था। भाई थे, ऑब्वियस भाई होंगे, जुड़वा थे, तो दोनों बिल्कुल अलग है, एक एकदम राउडी है गुंडे टाइप का और दूसरा एकदम जॉब करने वाला ऐसा लग रहा है, और दोनों किसी एक केस में फंसे हुए हैं, एक ने दूसरे को फंसाया डेफिनेटली, ऐसा ही कुछ हुआ है, या फिर दोनों मिलकर कुछ काम कर रहे थे और पुलिस को बेवकूफ बना रहे, डोंट नो, या कोई और इनको फंसा रहा है। हाँ, दोनों की दुश्मनी का शायद फायदा उठा रहा है, कोई और फायदा उठा रहा हो, क्या पता उनमें दुश्मनी है भी या नहीं है, पता नहीं, क्योंकि हो सकता है कि दोनों में नहीं बनती हो, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, क्योंकि आखिरी में गाड़ी में स्क्रैच मार रहा था एंड डेफिनेटली वो उसी की गाड़ी होगी। दिल टूट गया, रेड गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया, इतना गंदा, इतना लंबा। राम पोथीनेनी को कोई डब मूवी में देखा है आई गेस सेटमैक्स पे, पर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, तब उनकी बियर्ड इतनी नहीं हुआ करती थी, तब बियर्ड इतनी नहीं थी, तो मेरे को एक्चुअली मूवी का नाम याद नहीं है। इस मूवी में थोड़ा अलग लग रहा है ना, वो थोड़ा बियर्ड है, थोड़ा मस्कुलर ज्यादा है, मस्कुलर ज्यादा है, दैट्स व्हाई मैंने जो देखी हूं काफी बॉयश लुक, कॉलेज बॉय टाइप का, इस टाइप का लुक देखा है, तो इसमें एकदम डिफरेंट लग रहा है। मैं बोली ये वही है, ये वही है। टीजर बड़ा छोटा सा था तो हमें बहुत छोटा सा समझा, बस इतना समझ आया कि इसके अंदर सस्पेंस भर भर के है, तो देखने में बहुत मजा आएगा, कि मुझे सस्पेंस मूवी देखने में बड़ा मजा आता है। और जब तक ट्रेलर नहीं आएगा तब तक और भी समझ में भी नहीं आएगा क्या स्टोरी है, चल रही है। हो सकता है कि हम जब गेस करें, क्योंकि टीजर के बाद सिर्फ गेस किया जा सकता है कि क्या है।
पर अच्छा लगा, देखने में काफी अच्छा लगा। टीजर के लिए तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मम्मी बोल दो क्या करना है, सरप्राइज कीजिए। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।